YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ पंचकर्मा इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। आपने हमेशा सुना होगा कि किसी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हमेशा या मुझे हमेशा कहते सुना होगा कि इस ट्रीटमेंट के साथ साथ पंचकर्मा ट्रीटमेंट या थेरेपी की जाएगी। आखिर ये पंचकर्मा ट्रीटमेंट इतनी क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या इम्पॉर्टेंस है या इसको करने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त और कफ ये तीन दोष जो बताए गए हैं, इनके बढ़ने से या इनका इम्बैलेंस बॉडी में होने से ही कोई ना कोई व्याधि निर्माण होती है, व्याधि उत्पन्न होती है। तो अगर हम इन दोषों को एक नॉर्मल लेवल पर लेकर आ जाएं तो वो शरीर स्वस्थ माना जाता है। अब इस बढ़े हुए वात पित्त या कफ दोष को नॉर्मल में लाने के लिए जो चिकित्साएं की जाती हैं, मेडिसिन अगर दी जाएंगी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पंचकर्मा ट्रीटमेंट जो होती है वो उस टाइम को कम करने के लिए बहुत ही सफल ट्रीटमेंट है। इन पंचकर्मा में बढ़े हुए दोषों को शरीर के बाहर निकाला जाता है। आप इन बढ़े हुए दोषों को टॉक्सिन्स एक सामान्य भाषा में ही समझ कर चल सकते हैं। जब ये टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर चले जाते हैं तो फिर बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाती है, नॉर्मल फंक्शन अच्छे से होने लग जाते हैं। इवन जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आजकल बताए गए हैं, जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं उनमें भी पंचकर्म का बहुत ही अच्छा रोल है। हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है। और किसी भी थेरेपी, किसी भी ट्रीटमेंट करने से पहले अगर पंचकर्मा किया जाता है तो उस ट्रीटमेंट का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है, क्योंकि पहले से बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाती है और उसमें वो मेडिसिन प्रॉपर वे में जल्दी से असर अपना दिखा पाती है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि कोई भी कपड़ा रंगवाने से पहले उसे हम पहले अच्छे से वॉश करके सुखाते हैं, उसके बाद ही उस पर नया रंग चढ़वाया जाता है। तो इसी तरह से जब हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर चले जाते हैं, बढ़े हुए दोष कम हो जाते हैं या नियर के मार्ग से वो बाहर, बढ़े हुए दोष नियर के मार्ग से बाहर निकल जाते हैं शरीर से, तो शरीर की शुद्धि होकर वो अगली चिकित्सा के लिए हमारा जो टाइम पीरियड है वो कम करने में पंचकर्म बहुत ही हमारी मदद करता है। आपको पता ही होगा कि पंचकर्म यानी पांच कर्म, पांच ऐसी चिकित्साएं जो इकट्ठी आ गई हैं उन्हें बोलते हैं वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। हर दोष के हिसाब से ही ये चिकित्साएँ अलग अलग हैं। बढ़े हुए वात को अगर हमने पंचकर्म चिकित्सा देनी है तो उसके लिए बस्ती ट्रीटमेंट बेस्ट है। बढ़े हुए कफ के लिए वमन, पित्त के लिए विरेचन, और इसी प्रकार जब ये बढ़ा हुआ पित्त हमारे रक्त को दूषित कर देता है, ब्लड में टॉक्सिन, ब्लड को इम्प्योरीफाई कर देता है, तो उसके लिए रक्त मोशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। और नस्य तो बहुत ही सिंपल और बेस्ट ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो कि आप घर पर आसानी से कर सकते हो। नस्य का मतलब होता है नाक में तेल या घी के कुछ ड्रॉप्स को डालना। इससे तो इवन बोला गया है कि नासा ही शिरसो द्वारम, और इवन जो ब्रेन के आसपास, जो ब्रेन में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड बताया गया है, उनको स्टिमुलेशन देने के लिए नस्य को बेस्ट माना गया है। PCOD के ट्रीटमेंट में तो नस्य का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत ही अच्छा काम करता है। बाकी तो बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन ये सभी पंचकर्म गायनी की जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, गायनी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स फीमेल्स में आती हैं उनमें ट्रीटमेंट्स में ये बहुत बेनिफिट देता है। और मैं चाहूँगी कि आप सभी पंचकर्म ट्रीटमेंट को ज़रूर अपनाएं, इससे अपने आप को बेनिफिट दें। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।